एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल का फाइल टैब कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का होम टैब, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। ठीक है, तो पहले क्लिपबोर्ड पर आते हैं। जिसने एमएस वर्ड का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है होम टैब का, वो जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक के ऑप्शंस अलाइनमेंट तक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एमएस एक्सेल की तरह, एमएस वर्ड की तरह। ठीक है, तो पहला जैसे आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं फादर नेम। ठीक है, ये दो कॉलम हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर नेम, यहाँ पर फादर नेम, ये जो ए है, बी सी डी ई एफ, ये सब क्या हैं? कॉलम। और 1 2 3 4 5 6 ये सब हैं रो। ये भी मैं वर्ड के उसमें बता चुकी थी। ठीक है, और जहाँ पर ये कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं सेल, CELL। ठीक है, तो ये रो, सॉरी कॉलम ए एंड रो 3, तो इसका नंबर क्या हुआ? A3। A3 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये क्या हुआ? B3। B3 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये A6। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है कट, तो कट के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कट, और यहाँ पे जाके पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट मतलब एक जगह से कट हो जाएगा, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। कॉपी पेस्ट का क्या होगा? कॉपी पेस्ट, तो सेम पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट के लिए आप कंट्रोल एक्स यूज़ करते हैं, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर, जैसा कि मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है? अपने काम को थोड़ा सा इजी बनाना। सपोज़ हमने नेम में थोड़ी सी एडिटिंग की है, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ठीक है, इसको कलर दे दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो ये मैंने इसमें फॉर्मेटिंग की है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ सेम यही फॉर्मेटिंग इसके अंदर भी हो जाए, तो दो ऑप्शन है। पहला, मैं नेम पे क्लिक करूँगी और फिर सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, दूसरा, मैं इस पे जाऊँगी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी, तो ये देखिए ब्रश का डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही इस पे जाके करूँगी तो ये हो जाएगा, है ना, इजी। दोबारा चलते हैं, अभी ब्रश गायब हो चुका है। हम चाहते हैं कि ब्रश हमेशा रहे, जब तक कि हमारा, हम खुद उसे रिमूव ना करें। ठीक, कंट्रोल जेड करते हैं पहले से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। सिंगल क्लिक से एक बार रहेगा, डबल क्लिक से तब तक रहेगा जब तक आप उसे क्लोज नहीं कर देते। ठीक है, तो इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे वहाँ वहाँ ये होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड। जैसे ये नेम है, इसको मैं बोल्ड करती हूँ तो ये बोल्ड हो गया। आई, ये वाला बटन इटैलिक थोड़ा सा इसको टेढ़ा मतलब तिरछा बना देगा। ये देखिए, मैं इसको सेंटर में ले लेती हूँ। ये देखिए, बिना इटैलिक के ये ऐसा है, इटैलिक के ये ऐसा है। यू मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि किस टाइप के अंडरलाइन चाहिए, सिंगल अंडरलाइन चाहिए और डबल अंडरलाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा आपको चेंज होते हुए। ठीक है, जैसा आपको चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा साइज़ यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्लिक करते जाएंगे इंक्रीज़ होता जाएगा और इससे कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इस टेक्स्ट में कलर आएगा, जो लिखा हुआ है उसके अंदर कलर आएगा। नेम ये कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके बैकग्राउंड में कलर आएगा, ये देखिए। ठीक है, कौन सा दे, ये वाला दे देते हैं। इससे क्या होगा, बॉर्डर आएगा। बॉर्डर समझने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी।
तो इस वाले पे समझ लेते हैं कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पर ले लेते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, बॉर्डर देखने के लिए ऑल बॉर्डर करते हैं, तो ये देखिए बॉर्डर आ गया। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर करते हैं, इसको करते हैं नो बॉर्डर, तो ये देखिए कोई बॉर्डर नहीं है। अब करते हैं लेफ़्ट बॉर्डर, तो ये देखिए लेफ़्ट में आ गया। अब करते हैं टॉप बॉर्डर, तो लेफ़्ट में भी है टॉप में भी है, क्योंकि लेफ़्ट हमने हटाया नहीं था, हटाने के लिए वापस क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। थिक थिक चाहिए, ये देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं, पेंसिल मिल जाएगी आपको ड्रॉ करने के लिए, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ग्रिड बनानी है, ये देखिए सब में होगा। ड्रॉ बॉर्डर से क्या हो रहा था, खाली ये कॉलम की बन रही थी, रो की नहीं बन रही थी, पर इससे रो की भी बन रही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इरेज बॉर्डर, तो इरेज करना है, तो ये इरेज हो गया। ठीक है, ये भी इरेज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन कलर, लाइन का कलर कौन सा चाहिए, जो बॉर्डर आप ले रहे हैं उसका कलर कौन सा चाहिए आपको। ठीक है, लाइन में स्टाइल देना है, किस टाइप की लाइन चाहिए। ठीक है, मोर बॉर्डर्स में जाएंगे और भी आपको मल्टीपल बॉर्डर्स डिस्प्ले होंगी कि कैसे कैसे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट टैब फिनिश। अब चलते हैं अलाइनमेंट टैब की तरफ। अलाइनमेंट में आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसका सिंपली मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है फादर नेम है, ठीक है, मैं इसको ये देखिए थोड़ा सा खिसक रहा है ये अपनी जगह से, तो यही है इसका अलाइनमेंट। ये क्या करेगा, बिल्कुल लेफ्ट में ले जाएगा, ये सेंटर में ले जाएगा और ये राइट में ले जाएगा। थोड़ी सी मूविंग हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी, आप देख पा रहे होंगे अभी ये लेफ़्ट में है, सेंटर करते हैं तो हल्का सा मूव हो रहा है, और फिर लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट में जा रहा है। ये क्या करेगा, नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, ये सेंटर में लाएगा और ये बिल्कुल डाउन ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर ऑप्शन में आते हैं, ये क्या करेगा, डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट को डिक्रीज़ करेगा। ये क्या करेगा, इंडेंट को इंक्रीज़ करेगा, ये देखिए आगे बढ़ा रहा है, मतलब अब हमारा जो लिखने का मतलब सेल यही है, लेकिन इसने स्टार्टिंग कहाँ से कर दी है, यहाँ से, कि आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डिक्रीज़ करना है तो कम कर दीजिए, अगर आपको स्टार्टिंग में स्पेस चाहिए, जिस हिसाब से स्पेस चाहिए आप रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एंगल क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज इसने बना दिया एंगल, जैसा आप चाहें वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये देखिए अगर आपको कैलेंडर वगैरह बनाना है तो उसके लिए काम आ जाएगा। रोटेट टेक्स्ट, आप इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको वापस ले आते हैं सेम पोजीशन पे। अब दो ऑप्शन और हैं, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट क्या करेगा, जैसे मैं इसको अभी सेल को छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये फादर नेम जो है, फादर तो अंदर है, नेम बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसका दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर रैप टेक्स्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, मतलब वही कंटेंट पूरे सेल में आ जाएगा जो कंटेंट आपका नहीं आ पा रहा है। ठीक है, फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको फादर ऊपर चाहिए, नेम नीचे चाहिए। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा, मैं इसको बॉर्डर कर देती हूँ पहले, ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए ये दो सेल हैं, डिस्प्ले हो रहे होंगे आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए दो बॉर्डर हैं। अब जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मर्ज और सेंटर कर दिया, तो क्या हुआ, ये एक बन गया, वो जो बीच का सेल था, यानी एक सेल ये वाला, एक सेल ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो आप टाइप करेंगे वो टाइप हो जाएगा पूरा एक। ये किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली हेडिंग के लिए। सपोज़ हमें हेडिंग बनानी है अपने
इस शीट की, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नंबर पे। नंबर पे जैसे हमारे पास कुछ हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा है 2500। ठीक है, इसको हमें कुछ सिंबल्स हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करेंसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम की करेंसी में हो जाएगा। ये क्या है, करेंसी है, यूरो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने परसेंटेज में क्लिक कर दिया था। और यहाँ से चाइनीज़ करेंसी में चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते, करेंसीज़ ले सकते हैं, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, और भी फॉर्मेट्स हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इससे परसेंटेज आएगा, ये देखिए। ठीक है, इससे क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक, इससे क्या होगा, स्पेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे। डेसिमल के बाद आप ज़ीरो को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेसिमल के बाद ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल के बाद ज़ीरो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये भी वही ऑप्शन है। अकाउंटिंग आपको कैसी चाहिए, जनरल तो जनरल में आ गया। ठीक है, नंबर में चाहिए तो नंबर में आ गया, करेंसी में चाहिए तो करेंसी में आ गया। और फिर करेंसी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कौन सी करेंसी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में आ गया, और शॉर्ट डेट डेट में आ गया। ठीक है, लॉन्ग डेट तो लॉन्ग डेट में आ गया। तो जैसे आप चाहते हैं वैसे आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगी, मतलब एक डेटा चाहिए होगा प्रॉपर। तो शीट टू में चलते हैं। शीट टू में ये मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट सेल रूल्स का। ठीक है, उसके अंदर है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और पहले ऑप्शन पे जाते हैं ग्रेटर देन, सॉरी सारे नंबर्स ले लेते हैं, देन जाते हैं पहले ऑप्शन पे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कितने से ज़्यादा आपको देखना है या कितने से ज़्यादा को आपको हाईलाइट करना है। मैं ले लेती हूँ कि मुझे 50 से अबव दिखाइए, तो ओके करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो 50 से अबव वाले नंबर्स। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं लेस देन। लेस देन वाले में देखते हैं, तो लेस देन वाले हमें बताने हैं 50 से लेस। हमें पुरानी वाली फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी पहले, तो वापस चलते हैं, इसको कर देते हैं कंट्रोल जेड। ठीक है, अब देखते हैं लेस देन वाले पे, तो 50 से लेस, ओके। तो ये देखिए, ये लेस देन वाले आ गए सारे, वापस कंट्रोल जेड करते हैं। अब है बिटवीन, किसके और किसके बीच में आपको देखने हैं। तो मुझे देखने हैं 30 to 70, ओके। तो 30 to 70 को उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं वापस। उसके बाद एक और ऑप्शन है इक्वल टू, किसके बराबर देखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कोई वर्ड है हमारे पास, 45 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, एग्जैक्ट 45 वाले उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जेड वापस से। किसी भी दूसरी फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए पहली फॉर्मेटिंग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट डैट कंटेन, कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए। तो मैं ले लेती हूँ 78 वाला, ओके। ठीक है, यहाँ से आप इनको भी ले सकते हैं, जैसे मैं ये पूरा ही सिलेक्ट करती हूँ अगर, तो टेक्स्ट डैट कंटेन में ये अंजू मंजू क्या चाहिए आपको, जैसे अंजू और मंजू, अंजू लेते हैं, ओके करते हैं। तो इसने अंजू और मंजू दोनों को ले लिया, क्यों, क्योंकि अंजू इसमें भी है, अंजू इसमें भी है। ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद अ डेट अकरिंग, डेट कहाँ पर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट वाले में काम आएगा आपका, कि यस्टरडे की चाहिए, टुडे की चाहिए, टुमारो की, लास्ट डेज की, कब तक की आपको डेट चाहिए, उसके लिए ये होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या ऑप्शन है इसमें, डुप्लीकेट वैल्यू, अगर इसके अंदर हमारी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स। तो ऐसे ही टॉप 10 दिखाएगा,
टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो टॉप 10 आइटम पहले हम देखते हैं, टॉप 10 ओके करते हैं। ये देखिए टॉप 10 दिखा दिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 10 ही दिखाएगा, आप उसको कम कर सकते हैं नंबर में जाके, यहाँ इसको टॉप 5 कर दीजिए तो टॉप 5 आपको दिखा देगा, ठीक है। टॉप 1 कर दीजिए, 1 दिखा देगा, ठीक है। जैसे मर्जी आप वैसे इसको कर सकते हैं। ये देखिए इसको करते हैं 5, तो टॉप 5 हो गए, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1, ठीक है ओके करते हैं। उसके बाद टॉप 10%, ये दोनों ही सिमिलर है, बट ये जो है ये क्या काम कर रहे हैं, टॉप 10 नंबर्स में से बता रहे हैं, ये हमें परसेंटेज में से बताएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर इनका निकाल रखा है टोटल, ठीक है, और यहाँ पर इनकी परसेंटेज, ठीक है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे सम, हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज निकालने के लिए इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है इक्वल टू टोटल नंबर्स जितने आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट 1, 2, 3, तो तीन सब्जेक्ट का 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज आ गई है, इसको यहाँ से ट्रैक करेंगे तो आप नीचे पहुँच गए। अब जो हमें हमारा जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं, और टॉप 10% वाला, इसको 10 की जगह हम कर देते हैं 5, तो टॉप वन कर देते हैं, ठीक है ओके करते हैं। तो ये देखिए 75 टॉप 1 इसने हमें दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, बॉटम 10, जैसे टॉप 10 था वैसे ही बॉटम 10 है, ये नीचे से 10 हमें बताएगा, ऐसे ही बॉटम 10% नीचे से 10% रेशियो बताएगा। अबव एवरेज और बिलो एवरेज, तो इसके लिए पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए इनको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ले लीजिए एवरेज, ये आ गया एवरेज, और इसको, ठीक है। तो अब जब एवरेज की बारी आई है तो यहाँ चलते हैं और अबव एवरेज, ओके ये देखिए एवरेज जितना भी आपने आप जितना भी होगा उससे अबव वाले बता देगा, देन कंट्रोल जेड करेंगे, और बिलो एवरेज वाला बिलो से बताएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट है डेटा बार। तो यहाँ बार के थ्रू भी आपको दिखाएगा नंबरिंग कि कम ज़्यादा, किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं, ठीक है। कलर स्केल यहाँ कलर के थ्रू बताएगा, कलर डिफरेंट कर देगा, ये देखिए कुछ डिफरेंट है कुछ डिफरेंट है, कुछ के अलग दिखा रहा है कुछ के अलग दिखा रहा है, ठीक है। आइकन सेट यहाँ आइकन के थ्रू बताएगा, कोई सा भी आइकन ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो ये देखिए जिसके सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं वो हाई, मतलब ज़्यादा नंबर वाले हैं, जिनके कम आ रहे हैं वो कम नंबर वाले हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए है, देखने के लिए कि आप कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट एज टेबल, तो इसके लिए हम इसको पहले यहाँ पे जाते हैं, पूरे को सिलेक्ट करने पड़ेगा क्योंकि पूरी टेबल है, यहाँ से किसी भी एक को ले लेते हैं अभी, ओके ठीक है। ये देखिए ये टेबल आ चुकी है, अब जैसे ही हम यहाँ से किसी और पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, फॉर्मेट एज टेबल हो गया, सेल स्टाइल, सेल को स्टाइल करने का भी है, जैसे ये रोल नंबर, आप चाहते हैं ये रोल नंबर अलग स्टाइल से आपको दिखे, इसमें चाहिए तो इसमें ले लीजिए, नेम अलग में दिखे तो नेम अलग ले लीजिए, ठीक है, या ये पूरा अलग में दिखे तो आप यहाँ से सेल की स्टाइलिंग कर सकते हैं कि कैसा आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं सेल्स के अंदर, सेल्स में आप देख पा रहे हैं इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, तीन ऑप्शन है,
इंसर्ट के अंदर है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। तो इंसर्ट सेल क्या करेगा, एक सेल को इंसर्ट करेगा। सपोज मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखती हूँ और करती हूँ इंसर्ट सेल, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रो का, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखती हूँ, ठीक है, और इंसर्ट शीट रो। तो ये देखिए इंसर्ट हो गई रो, यही होती है। उसके बाद ऑप्शन है कॉलम का, तो कॉलम मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है, इंसर्ट शीट कॉलम। ये देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इंसर्ट शीट हम जैसे ही करेंगे आप देख पा रहे होंगे शीट वन शीट टू है। इंसर्ट शीट करते ही ये देखिए शीट थ्री आ चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं डिलीट के अंदर, डिलीट के अंदर भी वही सारे ऑप्शन है। डिलीट सेल, तो हमने कौन सा सेल एक्स्ट्रा किया था, ये वाला, तो यहाँ पे जाते हैं और कर देते हैं डिलीट सेल, ओके। ये देखिए ठीक है, अब करते हैं रो का, डिलीट रो, ठीक। इस सेल को दोबारा करते हैं क्योंकि हमने पहले रो नहीं की थी, डिलीट सेल, ओके। अब कॉलम भी किया था, डिलीट शीट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट शीट, तो शीट हमें ये वाली ऐड की थी, इस पे जाते हैं और डिलीट शीट, तो डिलीट हो गई, देखिए शीट थ्री गायब हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर है रो हाइट, ऑटो रो हाइट, कॉलम विथ। तो रो हाइट पहले समझते हैं, रो हाइट का मतलब क्या है, ये देख रहे हैं आप वन और टू, इसको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि वन को आपने बढ़ा दिया, ठीक है, टू को बढ़ा दिया, पर इसमें क्या होता है जो गैप है वो बराबर नहीं हो पाता। तो कंट्रोल जेड करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में जाते हैं रो हाइट, रो हाइट आपको कितनी देनी है, मैं इसको 20 दे देती हूँ, ओके करती हूँ। ये देखिए गैप आ गया, ठीक है। ऐसे ही ऑटो फिट अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो बाय फिट है वो फिट हो, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा, ये देखिए फिट हो गया। उसके बाद कॉलम विथ, ऐसे ही ये विथ इंक्रीज़ होगी, अगर मैं इसको दे देती हूँ 25, ओके करती हूँ, तो ये देखिए इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ही अगर ऑटो फिट करते हैं तो ये देखिए जितना कंटेंट था उस अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपको कितना चाहिए, ओके, ये कम है, ज़्यादा कर देते हैं इसको 10 ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब आते हैं हाइड एंड अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। तो हाइड भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी इसको ले लेते हैं उसमें क्योंकि फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से जाते हैं हाइड में, हाइड कॉलम, क्योंकि ये कॉलम है, तो ये देखिए ये हाइड हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये देखिए डबल डबल यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉलम है जो हाइड हो रखा है। वापस जाएंगे तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ से एक सेल मतलब गायब हो रखा है कॉलम। वापस जाते हैं और यहाँ पर आ रहा है अनहाइड कॉलम, तो अनहाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अनहाइड हो चुका है। अब वापस आते हैं, और भी रो को कर सकते हैं आप, शीट को कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम आप कर सकते हैं, अगर हम रीनेम पे जाते हैं, रीनेम शीट पर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शीट टू लिखा हुआ है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, मैंने डेटा दे दिया, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया। वापस जाते हैं, मूव और कॉपी शीट, किसी भी शीट को आप मूव या कॉपी कर सकते हैं। टैप कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं उसका, देखिए आप नीचे यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था फाइल टैप में कि आप अपनी शीट को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये वही ऑप्शन है, ठीक है। फॉर्मेट सेल आपको किस में देना है, जनरल में देना है, नंबर में देना है, करेंसी में देना है, ये वही है जो इस वाले टैब के अंदर था, नंबर वाले टैब में मैंने बताया था, ये वही दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है।
उसके बाद बढ़ते हैं ऑटो सम के अंदर। ऑटो सम के अंदर जैसे मैंने आपको सम करके बताया था, ऐसे ही आप एवरेज कर सकते हैं, नंबर काउंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज हम निकाल चुके हैं और काउंट निकाल लेते हैं और मैक्स और मिनिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो काउंट के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक और इसमें जाते हैं और काउंट नंबर्स पे, ये देखिए आ गया। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ऐसे ही मैक्सिमम के लिए इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से मैक्सिमम देन मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम ये हो गया और मिनिमम ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं फिल के अंदर। फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट। ठीक है, जैसे ये है तारा लिखा हुआ है यहाँ पर, फिल डाउन करते हैं तो ये देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी तारा लिख जाए, तो फिल डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं और फिल अप, तो सुमन सुमन हो गया। फिल राइट, तो राइट वाला आ गया। और फिल लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला आ गया। राइट में सबसे राइट में आपने देखा होगा 6 था, सबसे लेफ्ट में 34 है, तो वो आ गया। ठीक है, और सीरीज़ में अगर आपको करना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, अब आपको ये 1 2 3 4 आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे और सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और इसको जहाँ जहाँ तक आप लेते जाएंगे वहाँ वहाँ तक ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फुल और यहाँ पे लिखा नेम, इन दोनों को वो एक सेल में ले आएगा। जस्टिफाई, ये देखिए फुल नेम। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में। शॉर्ट क्या करेगा, ए टू जेड, मतलब ए टू जेड में शॉर्ट कर देगा। ये हमारा डेटा है, इसको करते हैं शॉर्ट ए टू जेड, ओके, ये देखिए। ठीक है, अब करते हैं शॉर्ट जेड टू ए शॉर्ट, ये देखिए। ठीक है, फिर करते हैं फिल्टर, तो ये देखिए यहाँ फिल्टर का एक छलनी सी बन के आ चुकी है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ अंजू चाहिए, ओके करते हैं, ये देखिए सिर्फ अंजू का आ गया। मुझे यहाँ से सिर्फ शालू का चाहिए, ओके, तो शालू का आ गया। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वैसे आ जाएगा। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में जाते हैं, ये बिल्कुल जो वर्ड में था वही है, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं इसके साथ लिंक कर दूँगी, प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो फाइंड का मतलब होता है हमें कुछ भी फाइंड करना है। ठीक है, सपोज़ मैं इसको पहले बैक कर देती हूँ, पूरा डेटा ले आती हूँ और यहाँ से मुझे फाइंड करना है क्या, टी ए आर ए, तारा को फाइंड करना है। ठीक है, टी ए आर ए, तो ये देखिए, और राजू को फाइंड करना है, ये देख। ठीक है, और फाइंड एंड रिप्लेस का, जैसे हम जाते हैं आप फाइंड रिप्लेस वाले पे, तो फाइंड राजू, रिप्लेस किसके साथ करना है, तारा के साथ कर देते हैं और रिप्लेस ऑल, डन। तो ये देखिए राजू वाला ऑप्शन तारा बन चुका है। कंट्रोल जेड करती हूँ तो ये देखिए पहले राजू था और अब ये तारा बन चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का। एक और ऑप्शन है गो टू, अगर आपको कहीं पे डायरेक्ट जाना है, किसी सेल में डायरेक्ट जंप करना है, जैसे मुझे जाना है एच और ये कौन सा है 6, तो एच और 6 पे प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखिए पहुंच गए। ये डायरेक्ट किसी सेल पे जंप करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ फिनिश होता है MS Excel का होम टैब। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।